सैनिक स्कूल रीवा से 10वीं का छात्र रहस्यमय ढंग से हुआ लापता, मचा हड़कंप, अपहरण की FIR दर्ज। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप, प्रबंधन सहित प्रचार पर कार्रवाई की मांग। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इकलौती रीवा के सैनिक स्कूल से कक्षा 10वीं के छात्र के लापता हो जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। छात्र सोमवार की दोपहर में ही छुट्टियों से वापस स्कूल लौटा था और शाम को अचानक से लापता हो गया। स्कूल प्रबंधन ने शाम की गणना में अनुपस्थित मिले छात्र के लापता होने की सूचना पहले परिजनों को दी, जिसके बाद थाने में उसके गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने फिलहाल मामले में छात्र के नाबालिग होने पर किसी के द्वारा बहला फुसला कर ले जाने की आशंका पर अपहरण का मामला दर्ज किया है और उसकी तलाश में जुट गई है। घटना के संबंध में लापता छात्र के पिता दिनेश सिंह निवासी ग्राम बिलगमा पोस्ट भुनगमा थाना जवा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका पुत्र रोहित सिंह सैनिक स्कूल रीवा में कक्षा 10वीं का छात्र है। बताया गया कि छात्र शीतकालीन अवकाश के चलते अपने घर गया हुआ था, जहां से अवकाश खत्म होने पर पिता ने सोमवार की दोपहर ही रोहित को स्कूल में छोड़ कर आए थे और रात को स्कूल के ही टीचर ने पिता को फ़ोन कर छात्र के गायब होने की सूचना दी है। स्कूल प्रबंधन ने पहले छात्र को शाम की गणना में अनुपस्थित पाया, जिसके बाद स्कूल परिसर में ही बने हॉस्टल में तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिला। इस मामले में स्कूल प्रबंधन पर परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं। लड़का सैनिक स्कूल में पढ़ता था और कल 8 तारीख को मैं 1:20 पर स्कूल में छोड़ा हूँ। इसके बाद मैं चला गया हूँ घर। 9 बजे रात है, AK शर्मा सर है सैनिक स्कूल के, वो फ़ोन किए कि सिंह साहब आप अपने लड़के को ले गए हैं क्या? तो मैं बोला नहीं सर, आपके तो सामने मैं छोड़ के आया हूँ। तो बोले कि नहीं, आपका लड़का हाउस में नहीं है। क्या नाम था, कौन सी कक्षा में? रोहित सिंह नाम था और कक्षा 10वीं में पढ़ रहा था। क्या कुछ क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? अब हमें तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं लगता किसी से, ना वो कभी मेरे के अलावा वो किसी से बात भी नहीं करता था, अचानक ना कहीं का शब्द किसी से बोलता था। बाकी किस हाउस में? बिंदिया हाउस में था। थाने में शिकायत दर्ज कराई है? हाँ, थाने में शिकायत स्कूल वाले कराए हैं, मैं भी साथ में था। अभी तक कुछ क्या CCTV में कहीं कुछ? रीवा जिले का एक माना जाना सैनिक विद्यालय, एक बोर्डिंग विद्यालय है। बोर्डिंग विद्यालय से बच्चा गायब हो रहा है तो उसे मान लीजिए बहुत बड़ी है। हम आप किस बच्चे को भेजें अपने बोर्डिंग विद्यालय में? ये सबसे बड़ी विद्यालय प्रशासनिक व्यवस्था जो वहाँ की है वो लापरवाही है। जवा के दिनेश सिंह हैं, जो जिनका बच्चा रोहित वहाँ पढ़ रहा था सैनिक स्कूल में, वो नवंबर से अवकाश पे गया था वेकेशन में, फिर वो मेडिकल ग्राउंड पे वो अवकाश में ही रहा। 18 वर्ष से कम है इसलिए 363 का अपराध पंजीबद्ध विश्वविद्यालय थाना में किया गया है। कि एक टीम लगी हुई है कि बच्चे को तलाशने में की, और उनके CCTV फुटेज वगैरह देखे जा रहे हैं। ये भी जानकारी में आया था कि बच्चे के पास मोबाइल था, मोबाइल बनवाने के लिए कह रहा था, तो मोबाइल की दुकान में भी पुलिस जाएगी और उनका पता लगाएगी। अभी एक टीम रवाना है इस जांच